चौधरी और आज है 21 जुलाई और सुबह के बज रहे 5 और मैं निकल रहा हूँ मालसेज घाट के लिए। करीब 6 महीने के बाद मैं वापस मालसेज जा रहा हूँ। एक्चुअली लास्ट जब मैं भीमा शंकर गया था उस वक्त मालसेज गया था और इस वक्त तो मानसून का टाइम चल रहा है। मानसून में तो वहाँ का मौसम असम होता है। एक्चुअली जाने का प्लान था बाइक से लेकिन बारिश की वजह से ही, बारिश कुछ ज़्यादा है और हवाएं भी तेज चल रही है तो रिस्क क्यों लेना, गाड़ी से जाते हैं। अभी भीग वगैरह जाएंगे और तबीयत भी थोड़ा सा डाउन है तो चलिए फिर मिलते हैं। मैं अपने दोस्तों को पिकअप करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ जाने वाले हैं। एक्चुअली इस बार लोग कम हैं लेकिन मज़ा हर टाइम के जैसा ही आने वाला है। चलिए फिर देखते हैं आगे, फटाफट पहुँचते हैं पहले। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था बारिश अच्छी खासी हो रही है। अभी मुझे थोड़ा दूर जाना है, करीब 2-5-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा अपने दोस्तों को पिकअप करने के लिए। फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने अपने फ्रेंड्स को पिकअप कर लिया है। अभी ये है नितेश पवार, इसका ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल है, आप फॉलो करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, नितेश पवार के नाम से है। और ये है चिन्मय सावंत जो कि हर ट्रिप में हमारे साथ होता है। चलिए फिर मिलते हैं आगे। तो अमृत तुल्य चाय का मजा लेते हुए क्योंकि हम 3 से अब 4 होने वाले हैं। एक बंदे का लकीली सही टाइम पे फोन आ गया और वो भी आ रहा है लेकिन अब उसको फ्रेश होने में 10-15 मिनट जाएगा और आधा घंटा भी लग सकता है। अच्छा जबरदस्त बारिश है। तो गाइस हम लोग अभी कल्याण क्रॉस कर रहे हैं, कल्याण के बाद अब मुरबाड़ जाना है और मुरबाड़ से फिर मालसेज घाट शुरू हो जाएगा और व्यूज अच्छा आना चालू हो जाएगा। लेकिन बारिश जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है व्यूज़ देखने को ना मिले, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आगे जाने के बाद अपने को पता चलेगा कि क्या होता है। कल्याण क्रॉस कर रहे हैं, कल्याण से लगभग 100 किलोमीटर है। 2 घंटा गूगल मैप बता रहा है लेकिन 2 घंटा तो नहीं, 4 घंटा अपने को लगेगा कम से कम क्योंकि आराम से जाना है। बारिश जो कितना हो रहा है पहले। अब पहुंचने वाले हैं मुरबाड़ और वहां से शुरू हो जाएगा अपना मालसेज घाट। व्यूज तो अच्छा आना चालू हो गया है लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद जबरदस्त चालू हो जाएगा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी औसम नेचर है आज यहाँ पे और मानसून सीजन में हमेशा ऐसा ही रहता है यहाँ। और रोड भी खाली है, रश तो बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हम लोग इसके लिए वीकडेज में आए हैं, वीकेंड में नहीं आए। वीकेंड में रश भी ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम भी होता है। अगर पॉसिबल हो तो वीकडेज में ही आओ मालसेज। और ऐसा खाली रास्ते में गाड़ी चलाने का और बाइक से आओ तो बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। नेचर के साथ इंजॉय करते हुए राइड करना। तो अब सुबह के बज चुके हैं 10 और हम लोग एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए रुके हैं और इसका नाम है प्रांजलि, जो कि मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है। काफ़ी अच्छा होटल है, अभी इंटीरियर भी इसका अच्छा हो गया है पहले से। और यहाँ से अब मालसेज घाट शुरू हो जाएगा तो नाश्ता मंगाते हैं, मिसल पाव जो यहाँ का फेमस है, और देखते हैं क्या टेस्ट है। तो अरुण भाई आप अपना स्टोरी बताएं, आप कैसे रात को जल्दी सो गए थे और फिर सुबह अचानक आ गए अवतार के जैसा, आने वाले तो थे नहीं। रात को फोन किया था आपको, अब उठाया नहीं। मैं रात को सो गया था, आप दिन में सो गए। बाइक कर रहे थे तो मैं बोला बाइक से जाने, इसका रीजन दीजिए। बाइक से जाने वाला था ना। ए, अपना स्पेशल मिसल पाव, मिसल वड़ा पाव, वड़ा पाव नहीं, वड़ा मिसल। वड़ा मिसल आ गया है जो कि दिखने में टेस्टी है, खाने में भी टेस्टी होगा, दिखने में टेस्टी है। तो नाश्ता अपना हमेशा की जैसा अच्छा ही था और ख़त्म हो चुका है। अब चाय ऑर्डर किया, चाय पियेंगे और फिर मालसेज की तरफ। अब यहाँ से 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे। तो प्रांजलि होटल में खाना अच्छा था, चाय भी अच्छा था। चाय पी के अब निकल चुके हैं मालसेज घाट के लिए जो कि अब पहुँचने वाले हैं हम लोग। अभी तो शुरुआत हुआ नहीं है आई थिंक, क्योंकि पहाड़ दिखे नहीं रहा। जब तक पहाड़ दिखे ना तब तक मालसेज क्या, और मुझे लगता भी नहीं कि पहाड़ दिखेगा क्योंकि फोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ। देखो अभी कितना जल्दी अपने को फोग मिलता है, मज़ा आ जाएगा। फिर
मेरा दिल तो पहाड़ों में है लेकिन हमेशा रह नहीं पाता। पहुंच चुके हैं मालसेज घाट के फोटोग्राफी पॉइंट पे जहाँ फोटो लेते हैं और यहाँ कुछ ज्यादा ही फोग है, कुछ नहीं दिख रहा। ये मेरे पीछे से गाड़ी आ रही है लेकिन दिखने जब तक नजदीक नहीं आएगी तब तक। ओहो गई, यहाँ सबका फोटोग्राफी चालू है और नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा, उसके लिए आपको ठंडी के टाइम आना पड़ेगा। तो गाइस मालसेज घाट पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस वगैरह का भी कुछ चेकिंग वगैरह था नहीं। आप सिर्फ सैटरडे संडे अवॉइड करो तो कुछ पुलिस वगैरह का टेंशन नहीं, आप बिंदास आओ और मौसम तो काफ़ी सुहाना है। तो चलिए गाइस पहले आप चाय पिया जाए, गरम गरम वड़ा पाव निकल रहा है लेकिन वड़ा पाव खाना नहीं है क्योंकि अब ऑलरेडी हेवी ब्रेकफास्ट किया हुआ है। चाय पी के फिर निकलते हैं। ये अपने सामने का व्यू जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे चाय पी लिए और ऑलरेडी पूरा भीग चुके हैं। नितेश पवार ब्रो कैसा लग रहा है आके? काफी अच्छा लग रहा है यार, फर्स्ट टाइम मालसेज घाट। चिन्मय सावंत भी फर्स्ट टाइम मालसेज घाट। ऑसम। एक छोटा सा बोगदा जो ख़त्म होते ही लेफ्ट साइड में एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे अभी जाने वाले हैं हम लोग। थोड़े बहुत जाके वहाँ फ़ोटो निकालते हैं क्योंकि वो अच्छी जगह है, बस विजिबिलिटी हो या फोग ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। रोड पे इतना फोग नहीं दिख रहा था लेकिन अंदर आने के बाद काफ़ी है, और लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा है, फोग है तो अच्छा ही लग रहा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा उतना, बस एक है। देखिए ऊपर की तरफ पूरा जो फोग है वो ऊपर की तरफ आ रहा है नीचे से पहाड़ों में से। तो गाइस अब वहाँ से तो निकल चुके हैं हम लोग आगे और मालसेज भी ख़त्म हो गया है लेकिन थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है, एक्चुअली हम लोग मालसेज क्रॉस करके ऊपर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं बोटिंग की है यहाँ पे जहाँ मालसेज में बोटिंग होता है और कैंपिंग भी होता है। एक्चुअली लास्ट टाइम में जहाँ आया था वहाँ तो भी गया था, इस बार भी जाके रिविज़िट करते हैं। तो पहुँच चुके हैं जहाँ बोटिंग होता है वहाँ पे। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह डाल दूंगा जो बोटिंग वाला बंदा है उनका, आपको बोटिंग कैंपिंग वगैरह करना है तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे और आप आ सकते हैं। अपनी बोट आ गई है और सब अभी बोट पे चढ़ रहे हैं, पहले डर के मारे सबकी हालत ख़राब है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, बस सबके सब भीग गए हैं, भीगना नहीं था लेकिन फिर भी भीग गए। तो फटाफट चढ़ें और फिर अपनी बोट की जर्नी को स्टार्ट करें। तो ये है अपने रंजीत दादा बोटिंग वाले, एक्चुअली मैं सेकेंड टाइम इनसे मिल रहा हूँ, इसके पहले भी जब आया था इन्होंने बोटिंग करवाई थी। आप इनसे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। आप व्यू देखिए क्या ज़बरदस्त आ रहा है बोट में, बारिश तो हो ही रही है। एक्चुअली भीगना नहीं था हम लोग को लेकिन फिर भी भीग गए पूरा। पानी भी काफ़ी है इस डैम में या लेक में, इसको मालसेज लेक आप बोलेंगे तो चलेगा।
अब बोटिंग ख़त्म करने के बाद जरा इस कैंपिंग वगैरह को देख लेते हैं। ये कैंप्स आपको मिल सकते हैं 1200 to 2500 कॉस्ट है यहाँ पे। जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसे कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हैं इसके लिए। और अच्छा कैंपिंग भी कैंप भी अच्छे हैं, आपको रिलैक्सेशन होगा आके यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे बोटिंग और कैंपिंग का सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया कि क्या है क्या नहीं, आपको इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, आपको रहना खाना शाम का डिनर सुबह का ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग टी आपको इसमें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और जो भी रहेगा वो आप बात कर लीजिएगा। बोटिंग वगैरह अपना अच्छे से हो गया और अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कैंपिंग करेंगे और रुकेंगे यहाँ पे, तो और भी अच्छे से इस एरिए को ये जगह को देख पाएंगे और भी मज़ा कर पाएंगे। फ़िलहाल 2 बज चुके हैं तो जाके पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए भी एक ढाबा मेरा सोचा हुआ है। मैं अभी पहुंच चुका हूं मालसेज ढाबा, जो मालसेज के ख़त्म होने के जस्ट पहले है। बहुत छोटा ढाबा है ये, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मैं सेकेंड टाइम आता हूँ इसलिए आपको बता सकता हूँ। अभी तो फिलहाल नॉनवेज खाने वाले हैं और नॉनवेज अच्छा है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन खाना अच्छा बना के देता है, तो आप आओ तो यहाँ पे ज़रूर खाना खाओ। एक काका है जो खुद बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। पुलिस का एक पोस्ट भी है छोटा सा यहाँ पे चेकिंग का, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना ऑर्डर आ चुका है, यहाँ का स्पेशल चिकन हंडी और भाकरी और थोड़ा सा प्याज। तो अब शुरू करते हैं, टेस्टी तो होगा ही मुझे मालूम है। फिर निकलते हैं घर के लिए क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, गरम गरम खाने में मज़ा आ जाएगा। अरे फिर से तो मालसेज ढाबा पे अपना खाना हो गया जो कि काफ़ी अच्छा था हर टाइम की तरह। अब निकलते हैं घर के लिए और अब किसी की हिम्मत नहीं कहीं रुकने की, तो डायरेक्ट अपना डेस्टिनेशन अपना घर ही होगा। रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स पे फोटो लेना था, नहाना था, लेकिन इतने में वाट लग गई है, अभी नेक्स्ट टाइम दिखेंगे है कि नहीं। क्या चलना है वाटरफॉल पे? नहीं बस अभी घर पे बहुत मजे कर लिए, मेमोरी फुल हो गया है। हाँ मेमोरी फुल हो गया है पहली तो बात।